सेंसेक्स ने बुधवार को इतिहास रच दिया। बुधवार का दिन बाजार के लिए शानदार कारोबारी दिन रहा। सेंसेक्स पहली बार 35,000 के पार पहुंचा और इसके ऊपर बंद होने में भी कामयाब रहा। निफ्टी भी पहली बार 10,800 का स्तर छूने में कामयाब रहा। सेंसेक्स ने 33,118.61 का नया उच्चतम रिकॉर्ड बनाया, तो वहीं निफ्टी 10,803 के नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंचने में कामयाब रहा। इस मौके पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेलिब्रेशन देखने को मिला। बीएससी सीईओ समेत दलाल स्ट्रीट के कर्मचारियों ने केक काटकर इसकी खुशी मनाई। दिस इज बेसिकली अ सिंबल ऑफ द ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड देयर इज अ ट्रेमेंडस कॉन्फिडेंस ऑफ इंडियन इन्वेस्टर्स एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टर्स हु आर इन्वेस्टिंग इनटू इंडियन मार्केट्स ओवर लास्ट सो मेनी इयर्स, बट आई थिंक देयर आर ट्रेमेंडस होप व्हिच दे हैव अबाउट इंडियन इकोनॉमी इज मेकिंग देम इन्वेस्ट एंड दैट्स व्हाई द इंडेक्स इज काइंड ऑफ गोइंग अप प्रैक्टिकली एवरी मंथ. There are two aspects to it. One is the international aspect. Over last 8-10 years, the world has been seeing a tremendous bull run. US also has seen Dow Jones going about 26,000 yesterday. Today, Sensex has gone 35,000 in sympathy. But there are also local parameters like government policies like GST, Aadhaar, Jandan Mobile, Bankruptcy Code, Smart Cities, even Skill India and so on and so forth. So effectively, there are global factors and there are Indian factors which is making the Indian investors as well as global investors think that the India is going to grow in leaps and bounds, and that's how they are investing in Indian economy. आपको बता दें कि बुधवार को कारोबार में बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, आईटी, मेटल, फार्मा, कैपिटल गुड्स और पावर शेयरों में जमकर खरीदारी देखने को मिली। बैंक निफ्टी 1.2% उछलकर 26,289 के स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी के पीएसयू बैंक इंडेक्स में 4.2%, एफएमसीजी इंडेक्स में 0.6%, आईटी इंडेक्स में 0.8%, मेटल इंडेक्स में 1% और फार्मा इंडेक्स में 1.25% की मजबूती देखने को मिली। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, मुंबई।